नमस्कार। हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा वीडियो बन रहा था। उसी क्रम में आज हम केला देवी के बारे में चर्चा करेंगे, जो राजस्थान की लोक देवी है, केला देवी, जो कि करौली में इनका मंदिर स्थित है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ये करौली के यदुवंश यादव वंश की कुल देवी है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केला देवी किनकी कुल देवी है? तो यदुवंश या यादव वंश की कुल देवी है केला देवी। अब इनका जो मंदिर है, केला देवी का मंदिर जो है, करौली के पास में त्रिकूट पर्वत की घाटी में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित है करौली के पास में केला देवी का मंदिर। अब एक प्रसिद्ध जो लोकगीत है वो इनकी आराधना में गाया जाता है। केला देवी के भक्त इनकी आराधना जब करते हैं तो वो प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा? लांगुरिया गीत। तो यहां प्रश्न बन जाता है कि किसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है? तो केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, यानी रिलेशन है ये। केला देवी का जो आराधना करते हैं तब ये लांगुरिया गीत गाया जाता है इनकी आराधना के लिए, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब इनका जो लक्खी मेला है वो कब लगता है, उस पर बात कर लेते हैं कि चैत्र के जब नवरात्र आते हैं तो चैत्र शुक्ला अष्टमी को विशाल लक्खी मेला यहाँ भरता है। और इनका जो मंदिर है, मंदिर के सामने बोरा की छतरी है। मंदिर के सामने यानी केला देवी का जहां मंदिर है उनके सामने बोरा की छतरी बनी हुई है। अब इनकी मान्यताओं के बारे में, जो लोग मान्यताएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, भाई केला देवी कौन है? तो लोक मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कंस ने अपनी बहन देवकी की जो नवजात कन्या थी, जिसको शिला पर पटक कर मारना चाहा था कंस ने, वही कन्या देव योग की वजह से करौली के त्रिकूट पर्वत पर केला देवी के रूप में अवतरित हुई। ऐसी मान्यता केला देवी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।